नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच राजस्थान द्वारा सोमवार को बसवा तहसील परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बसवा तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर और बसवा पंचायत समिति के निवर्तमान विकास अधिकारी बलदेव सिंह के मुख्य आतिथ्य में पौधारोपण का कार्य किया गया। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को मंच के प्रदेश अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी के जन्मदिन पर पौधारोपण कर की गई। बसवा तहसील परिसर में तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में पौधारोपण कार्यक्रम में मंच के प्रदेश अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी के नेतृत्व में 11 छायादार पेड़ लगाकर हर वर्ष होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे मंच द्वारा हर वर्ष पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सोमवार को बसवा तहसील परिसर में वृक्षारोपण कर की गई। वहीं बसवा तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय महिला जागृति मंच द्वारा आयोजित किए जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम की पहल एक सराहनीय कार्य है और मंच की ओर से प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 1100 पौधे लगाने का यह कार्य जो पिछले कई वर्षों से इनके द्वारा किया जा रहा है और इस वर्ष के कार्यक्रम की आज बसवा तहसील में शुरुआत की गई। मंच के इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और प्राकृतिक संतुलन के लिए इस तरह के कार्य वास्तव में पुण्य का कार्य है। इस दौरान सभी ने मंच के प्रदेश अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह गुर्जर, समाजसेवी मनोहर लाल, अवधेश हरदल दयाल, नंद किशोर लखन सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नेहा चतुर्वेदी द्वारा स्वयं के स्तर पर पेड़ उपलब्ध करवाते हुए 11 पेड़ छायाना तहसील परिसर में आज लगाए गए हैं। इनके द्वारा बारिश, जो मौसम की पहली बारिश हुई है, उसी पर ही इन्होंने अपने पेड़ लगाने का अभियान का शुभारंभ किया है। ये शुभारंभ करते हुए इनका लगभग 1100 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनके जो लक्ष्य हैं उनको ये हासिल करें और ईश्वर इनकी मदद करें, इनको सहयोग मिले, पूरा सामाजिक स्तर पर सम्मान मिले और ये पर्यावरण के लिए और जितने भी ये प्राकृतिक रूप से जिन पेड़ों की मनुष्य के लिए आवश्यकता है उन पेड़ों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ये जो अपना अच्छा संकल्प लेके काम कर रहे हैं उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके सहयोग के लिए हमारी आवश्यकता होगी तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे।